अजमेर के सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्था का 2800 वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी श्याम कपूर, विशिष्ट अतिथि एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर क्षेत्रीय शिक्षण संस्था व पूर्व डीन मान नगेंद्र सिंह, भारत सरकार के वेलफेयर कमिश्नर संजय डाबी ने शिरकत की। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि धरोहर थीम पर आयोजित वार्षिकोत्सव में सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्था के अंतर्गत संचालित विद्यालय व महाविद्यालय के वर्ष भर की सांस्कृतिक, साहित्यिक, अकादमिक उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के द्वारा सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्था में संचालित विद्यालय व महाविद्यालय के संपूर्ण वर्ष में अकादमिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में प्रथम व सीबीएसई बोर्ड तथा एमडीएस यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 550 छात्र व छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम के तहत शानदार प्रस्तुति दी। सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार। इस दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे, अन धन के भंडार भरपूर रहें और आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आगामी चुनाव के अंदर 25 नवंबर को सभी अपने घर से बाहर निकलें और वोटिंग करें। राजस्थान में एक अच्छी सरकार को दोबारा मौका दें, जो आप सभी के काम अच्छी तरह जैसे सुगम चल रहे हैं वैसे ही कर आगे भी चल सकें। दोबारा दिवाली पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्थान अजमेर में 28वां वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्याम कपूर जी सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर रहे हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी है। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संजय डाबी जी वेलफेयर कमिश्नर भारत सरकार हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जो वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों में और उनके अकादमिक और अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में जो भाग लेते हैं उनमें जो प्रथम स्थान वो प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इस समारोह के अंतर्गत आए हुए अतिथियों के द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीबन 550 छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की गई और कार्यक्रम जो है दिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत धरोहर थीम के आधार पर हमने कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें हजारों की संख्याओं में अभिभावकों की भी उपस्थिति है और बड़ा ही परिश्रम के साथ करीबन गत माह एक महीने से जो है बच्चे छात्र छात्राएं तैयारियां कर रहे हैं। आपका नाम? मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, प्राचार्य सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्था।